गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इन द गिवेन फिगर इफ ए बी पैडल सी डी, EF परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। अब ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर में दिया हुआ है कि ये लाइन ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पे ई एफ जो लाइन है ये सी डी पे परपेंडिकुलर है, और एंगल जी ई डी, यहाँ पे देखिएगा ये एंगल जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल हमको दे दिया है 126 डिग्री, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी 90 है, तो ये एंगल तो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। 126 से 90 को हम माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमको फाइंड हो जाएगा, एंगल जी ई एफ, ठीक है। यहाँ से एंगल जी ई एफ हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक ही करके सारे एंगल को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में जो गिवेन है उसको पर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ से गिवेन क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और ई एफ है परपेंडिकुलर सी डी पे, और एंगल जी ई डी 126 दे दिया है, जो कि अभी हम लोग जस्ट फिगर में देखे हुए हैं, ठीक है। ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, और एफ ई परपेंडिकुलर है, और ये एंगल जी ई डी जो अभी हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं, ये एंगल ये 126 दे दिया है। तो हमको इसमें फाइंड करना है कि एंगल ए जी ई क्या होगा, एंगल जी ई एफ क्या होगा, और एंगल एफ जी ई क्या होगा। इस तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग एक एक करके तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल है और जी ई ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ए जी ई जो यहाँ पे बन रहा है, ए जी ई एंगल, ये एंगल और एंगल जी ई डी जो है, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी, ये दोनों एंगल अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना जाएगा, 126 डिग्री। पहला एंगल ए जी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एंगल जी ई डी किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फिगर में कि एंगल जी ई डी जो है ये दो एंगल के सम के इक्वल है। एक एंगल आ जाएगा हमारा जी ई एफ, ये एंगल जी ई एफ है, और ये एंगल मेरा एफ ई डी है, और एफ ई डी ऑलरेडी कितना है, 90 है। तो यहाँ से हम लोग जी ई एफ निकाल लेंगे, 126 से 90 को माइनस कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमारा एंगल जी ई एफ आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। ये दो एंगल फाइंड हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये हमारा ए जी बी, ये क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये दो एंगल जो बनेगा, इस दोनों का सम 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, नाउ एंगल, सॉरी एंगल नहीं है, नाउ ए जी बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए जी बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो देयर फॉर एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी एफ ई 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। एंगल ए जी ई ये एंगल है, और एंगल एफ जी ई दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ से ए जी ई हमको क्वेश्चन में 126 दिया हुआ है, तो हम लोग एफ जी ई निकाल लेंगे, 180 से 126 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा 54 डिग्री। इस तरह से हम लोग तीनों एंगल फाइंड कर लिए। हमारा फर्स्ट एंगल आ गया, यहाँ पे लिखेंगे हेंस एंगल ए जी 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ 36 डिग्री, और एंगल एफ जी ई जो होगा 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।